आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। सबसे पहले आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और अभी हम जो है बात करने वाले हैं आपके बिहार DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के जो है रैंक कार्ड के ऊपर, यानी कि जो आपका स्कोर कार्ड आएगा उसके ऊपर बात करने वाली हैं। बहुत सारे बच्चों का जो है डाउट है कि सर, जो मेरा नंबर आएगा, जो मेरा रिजल्ट में नंबर रहेगा, क्या उसमें मुझे कॉलेज का नाम दिया रहेगा कि मुझे कौन सा कॉलेज मिला, या क्या मुझे उस पर क्या क्या चीज़ें रहेगी जिससे मुझे पता चले है कि मुझे कितना रैंक है, कितना नंबर है। तो मैं आपको बता दूं कि 2022 ईस्वी में जो है आपका जो DLED का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, उसके अभी जस्ट मैं आपको रैंक कार्ड दिखाने वाला हूँ, स्कोर कार्ड दिखाने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आपको मैं बताना चाहूँगा कि ठीक इसी प्रकार जो है इस वर्ष भी आपका जो है यही रहने वाला है। तो आप यहां पर देख सकते हैं स्क्रीन पर कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना और यहां पर DLED ज्वाइंट इंट्रेंस टेस्ट 2022 स्कोर कार्ड। यहां पर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन आईडी नंबर दिया रहेगा, फिर यहां पर आपको रोल नंबर रहेगा, फिर यहां पर नेम ऑफ कैंडिडेट रहेगा, फादर्स नेम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, जेंडर रहेगा, कैटेगरी रहेगा, फिर ऑब्टेन स्कोर रहेगा, फिर रैंक रहेगा, फिर यहाँ पर जो है आपका ओवरऑल रैंक रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि जब आपका रिजल्ट आएगा उसमें सभी चीज़ें आपको दी रहेगी। यहाँ पर आपका फ़ोटो रहेगा, यहाँ पर आपका सिग्नेचर रहेगा। ये फ़ोटो और सिग्नेचर के बाद आपको जो है यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी जो आपका रहेगा, रोल नंबर रहेगा, फिर यहाँ पर कैंडिडेट नेम रहेगा, फादर्स नेम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, आपका जेंडर क्या है, कैटेगरी क्या है वो रहेगा, ऑब्टेन स्कोर यानी कि आपने कितना स्कोर किया वो रहेगा, फिर यहाँ पर है ऑब्टेन रैंक, ऑब्टेन रैंक ओवरऑल रैंक है यानी कि आपके पूरे बिहार में जो है कितना रैंक है ये आपका रहेगा, बिहार में रहेगा। फिर आपका जो है कैटेगरी रैंक रहेगा यानी कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इस कैटेगरी में आपका जो है रैंक कितना है वो रहेगा, समझ गए। तो इसके अनुसार जो है आपको पता चल जाएगा कि मेरा कितना जो है रैंक है और कितने रैंक के अंदर में रहने पर जो है हमारा जो है रिजल्ट बन सकता है। तो ये जो है बेहद ज़रूरी है, समझ रहे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जो टोटल सीट है वो आपका कितना है, तो आपका जो है अप्रॉक्स जो है 30,600 सीट है, ये आपका 30,600 आपका सीट है, और जिसमें आपका सरकारी में जो है 9,100 सीट है और बाकी आपका जो है प्राइवेट में सीट है। तो ये आप जानते हैं। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि जब अभी आपका रिजल्ट आ जाएगा जिसमें रैंक कार्ड शो कर जाएगा कि आपका इतना रैंक इस कैटेगरी में है, इतना रैंक ओवरऑल है, उसके बाद आपको जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करनी है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको जो है काउंसलिंग स्टार्ट होगी। इसके बाद आपको काउंसलिंग होगा। यह काउंसलिंग करने के लिए मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो जनरल वाले बच्चे हैं उनका मिनिमम कटअप और OBC SC ST और जो PH वाले स्टूडेंट हैं उनका कितना है, तो इनको जो है 35% लाना है, इनको 30% लाना है। 35% यानी कि इनको 42 नंबर लाना है और इनको 30% यानी कि 36 नंबर इनको स्कोर करना है। कितना में भाई, तो 120 में। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं, समझ गए। जब आप काउंसलिंग कीजिएगा तो यहाँ से लेकर 5 से लेकर जो है 30 कॉलेज जो है चुन सकते हैं, और आपके रैंक के अनुसार और आपके जो है नंबर के अनुसार आपको जो है जब काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा एक सप्ताह बाद, तो उसमें आपको जो है कॉलेज अलॉट किया जाएगा और आपको जो कॉलेज अलॉट होगा उसी में आपको एडमिशन होगा, समझ गए। आप वहां से चाहिएगा तो स्लाइड अप करके दूसरा कॉलेज के लिए फिर से आप कर सकते हैं, लेकिन आपको काउंसलिंग के बाद ही जो है कॉलेज मिलेगा। यह जो प्रक्रिया होती है बिहार DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो एडमिशन होता है। तो आशा करता हूँ मेरी बात आप जो है समझ गए होंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिएगा। बहुत जल्द आपको रिजल्ट आएगी, मेरी बात समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके, धन्यवाद।